हेलो फ्रेंड्स, ये है XUV 500 डीजल। इसमें जो चेक इंजन लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसमें स्कैनर लगा कर देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। तो अब करते हैं डायग्नोसिस ट्रबल कोड। इसमें फ्रेंड्स इमोबिलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल, ये जो ट्रबल कोड आ रहा है, और इरेज करने पर इरेज नहीं हो रहा है, वापस से आ जा रहा है। तो इसमें कार लॉक हो गई है, जो कि ज़्यादातर महिंद्रा की कार में प्रॉब्लम आता है। तो इसमें ECU को इरेज करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है अनलॉक ECU, इरेज DTC, उसको अनलॉक कर देंगे तो ECU जो है वो इमोबिलाइजर सिस्टम को रिसेट कर देगा, और फिर जो चेक लाइट है वो भी चली जाएंगी। तो करते रिसेट। तो अब देख सकते हैं DTC सक्सेसफुल हो गया है, और उसके बाद इग्निशन को कर देना है ऑफ और चाबी को निकाल लेना है, और फिर लगाना है चाबी को और इग्निशन ऑन करना है। और अब देख सकते हैं जो ब्लिंक कर रही थी चेक इंजन लाइट वो अब कम्प्लीटली चली गई है, और ट्रबल कोड भी नो ट्रबल कोड आ गया है। जो एरर थी वो अब कम्प्लीटली चली गई है, और जो लाइट है वो भी चली गई है। तो ये ज्यादातर महिंद्रा के कार में होता है, बोलेरो हो गई, XUV 500 हो गई। तो अब देख सकते हैं कार भी स्टार्ट हो गई है इजीली। तो थैंक यू।